जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दिस इज़ आरएसटी सोलंकी और आज हम बात करेंगे न्यूज़ चैनल्स की। हम सबको पता है कि न्यूज़ जो है हमारा फोर्थ पिलर होता है मीडिया, जो कि है ऑफ डेमोक्रेसी। अब हमको ये देखना है कि जो भी मीडिया है, फॉर एग्जांपल न्यूज़ चैनल, ये सब जो है हमें ब्रेकिंग न्यूज़ पहुँचाने के लिए क्या कुछ तरीके एबनॉर्मल आजमाते हैं, क्या कुछ गलत करते हैं, कुछ अनएथिकल करते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, इन सब की बात करेंगे। तो हाँ भैया, न्यूज़ चैनल्स जो हैं अपनी लाइन क्रॉस करते हैं हमें ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाने में, तो उसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे कि हाँ लाइन क्रॉस करते हैं, दूसरी हम बात करेंगे कि नहीं नहीं लाइन नहीं क्रॉस करते। ठीक है, तो पहला यस दे ब्रेक लाइन, उसमें क्या होगा, न्यूज़ चैनल जो है हर चीज़ को सेंसेशनलाइज कर देते हैं ना। व्हाट इज सेंसेशनलाइज, कोई भी चीज़ अगर छोटी राय का पहाड़ बनाना, राइट, कोई भी चीज़ अगर छोटी भी है तो उसको बहुत ज़्यादा एकदम हॉट टॉपिक बना देना, कुछ मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको भी। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द ऑन गोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, द एक्चुअल इशूज़ इन द कंट्री। कोई किसी के यहाँ लड़का हुआ किसी बॉलीवुड स्टार के, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट सेंसेशनलाइज इसी न्यूज़ को करते हैं इतना ज़्यादा कि हर एक इंसान को पता होता है ये चीज़, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। If anyone accuses any celebrity, the news will be breaking news for days on the news channel. Again, celebrity, it is all about Bollywood, it is all about Hollywood, Tollywood, Hollywood. Yeah, like these things do not matter in the real world. These things do not impart you any education or knowledge. So, न्यूज़ वाले ऐसी ही चीज़ें दिखाते हैं जो लिटरली वर्थलेस हैं, ठीक है, जिनका कोई बेस नहीं है, और इससे लोगों का ना डेवलपमेंट हो रहा है ना कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। एंड दिस ऑल इज डन जस्ट टू गेन TRP, ठीक है। रिपोर्टर्स ऑफन ट्राई टू मेक विक्टिम स्पीक ऑन द इंसिडेंट। अब भैया कुछ भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल निर्भया एक्सीडेंट हैपन, ठीक है, दैट इंसिडेंट हुआ था वो निर्भया वाला, इन दैट निर्भया वॉज द विक्टिम, हर मदर, हर एंटायर फैमिली वॉज इन अ पार्ट ऑफ इट एज विक्टिम। अब इतना ज़्यादा कुछ डेंजरस सा हादसा हुआ है, इतना ज़्यादा हॉरीफाइंग सा कुछ हुआ है, उसमें आप जाके विक्टिम्स को मतलब लिटरली वीडियो कैमरा लगा के उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आप उसके घर पे जो ऑलरेडी ट्रबल लोग हैं उनसे आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो जस्ट अपनी TRP बढ़ाने के लिए, दैट इज़ टोटली अनएथिकल। अनादर बहुत बार ऐसा होता है कि यू नो इवन इन द केसेस ऑफ डेथ रिपोर्टर्स रश टू द इंसिडेंट एंड आस्क क्वेश्चंस टू द विक्टिम्स फैमिली, ठीक है, तो अगर डेथ भी हो जाती तब भी विक्टिम की फैमिली से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। न्यूज़ चैनल क्रिएट हाइप ओवर पेटी इशूज़ एंड क्रिएट पैनिक अमंग पब्लिक, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसमें भी पब्लिक में पैनिक क्रिएट कर देती है। सम न्यूज़ चैनल मैनेजमेंट इंटेंशनली क्रिएट रूमर्स जस्ट टू गेट व्यूज़ ऑन देयर चैनल, तो बहुत सारे रूमर्स ऐसे ही बिल्ड कर देते हैं, जैसे आजकल वो हॉरर शोज भी बहुत सारे चलते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भूत है क्या, इन्वेस्टिगेशन करने चलते हैं, दैट इज़ ऑल लिटरली नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट डज नॉट मैटर, दैट टाइप ऑफ कंटेंट इज़ आई वुड से डिल्यूजनल ओनली, ठीक है। अगेन कोई भी क्राइम होता है तो न्यूज़पेपर वाले खुद ही अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम निकाल लेते हैं कि चलो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, इससे क्या होता है, आर द मीडिया पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एनीथिंग, नो दे आर जस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग द ट्रुथ टू द पीपल। बट उसमें क्या होता है, ये लोग जाके पूरे क्राइम सीन से छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, ये लोग ये लोग TV पर सब कुछ दिखाने लग जाते हैं, उसके कारण सारा सब जितना भी प्रूफ्स होता है वो आगे पीछे हो जाता है, लोग जो है डर जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, तो दिस इज़ ऑल वेरी अनएथिकल एंड रॉन्ग एंड दैट इज़ ब्रेकिंग अ लाइन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नई न्यूज़ चैनल लाइन ब्रेक नहीं करते हैं। दे हेल्प इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस, प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक, तो ये तो हो गया भैया एकदम परफेक्ट सिनेरियो जिसमें मीडिया बहुत अच्छी हो आपकी, बट इंडिया की मीडिया ऐसी नहीं है कि एकदम ट्रांसपेरेंसी दे, लोगों को सब कुछ सही सही इन्फॉर्मेशन दे, ऐसा नहीं है। They try to grab attention of the public for the news that have importance. So breaking news are a part and parcel of the news channel to keep public informed. इसमें ही बोल रहे कि वो attention grab करते हैं लोगों का, news उनको बांट के, but still this is valid for a country जहाँ पर media अच्छी हो, India में ये scenario नहीं है। As news channels try to do their own investigation, police will be careful to do their duties well. This is all wrong, ठीक है। अगर न्यूज़ चैनल इन्वेस्टिगेशन करने लग गया तो लोगों से जिन्होंने देखा, आई विटनेसेस से जो प्रूफ्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ होने की संभावना है और इससे पूरा क्राइम सीन बिगड़ सकता है। कंक्लूजन में, नंबर ऑफ न्यूज़ चैनल्स जो हैं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉम्पिटिशन है उनके बीच में, एज अ रिजल्ट जो न्यूज़ चैनल ओनर हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दे रहे हैं ताकि उनके कॉम्पिटेटिव न्यूज़ चैनल से उनके TRP ज़्यादा हो, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उनको ज़्यादा लोग देखें, दैट इज़ व्हाई दे ब्रेक द रूल्स एंड डू ऑल दोज अनएथिकल थिंग्स विच इज़ नॉट राइट। So this was all for today's news channel video. I hope you understood the point and everything about this. For more such videos, subscribe to our channel. Till then, keep watching.
जय हिंद।